बिजली ब्लॉक की युवा समाज सेवी सुमनलता ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भोटा में यूथ पार्लियामेंट असेंबली के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र बिजली की वॉलंटियर सुमनलता ने मुख्य अतिथि नायब तहसीलदार हेमलता का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर भोटा पुलिस चौकी प्रभारी रमेश वर्मा, नगर परिषद के ईओ रंजनी देवी, योग गुरु संजीव कुमार, बिटिया फाउंडेशन की अध्यक्ष सीमा डोगरा, महिला मंडल की प्रधान कांता देवी उपस्थित रहीं। इस मौके पर नेहरू युवा केंद्र बिजड़ के वॉलंटियर सुमनलता ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र के सदस्यों ने ब्लॉकों के कई स्थानों पर स्वच्छता अभियान को बढ़ाया है और लोगों को सफाई रखने के प्रति भी जागरूक किया है। ब्लॉक की स्वयंसेवी सुमनलता हूँ। मैंने स्वच्छता अभियान के ऊपर कई कार्यक्रम करवाए, जैसे कि मैड़ में, पांडवी में, बैण में, उंदड़ और अनदर। इसके अलावा मेरा आज बड़ा प्रोग्राम पार्लियामेंट के ऊपर रखा गया था। इसमें योग गुरु जी आए थे, एसपी सर आए, तहसीलदार मैम। और मैं जो हूँ कई सालों से नेहरू युवा केंद्र हमीरपुर में जो युवा मंडल का प्रधान भी रह चुका हूँ और इस टाइम भी मैं प्रधान हूँ अपने बगेटू से। और मैं ये हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवी सुमनलता जो बिजड़ ब्लॉक की है, इसके साथ ही मैं काफ़ी प्रोग्राम कर रहा हूँ और इसके साथ जा भी रहा हूँ और हम सफाई के लिए सबको जागरूक कर रहे हैं। और आज हमारा ये विशेष कार्यक्रम जो है वो है बच्चों को जागरूक करने के बारे में, और हमारा ये प्रोग्राम है यूथ पार्लियामेंट असेंबली के तहत है। करा चुकी है इंटरनेशनल स्तर पर भी, जैसे कि बिजड़ ब्लॉक में अच्छे अच्छे प्रोग्राम करा चुकी है सौर पंचायत में, और बावड़ियों की सफाई भी की है उसने और सबको जागरूक करी और डोर टू डोर जाके इतनी मेहनत कर रही है कि मैं बोलता हूँ ऐसी लड़कियों का अगर कोई सहयोग दे दे तो आगे जा सकती है। और तो उनके साथ में महिला भी सहयोग देती है, कोई महिला मंडल देती है, कोई युवा मंडल देती है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी यानी कि हमारे कार्य करने वाले बंदे हैं वो सहयोग से चले, तभी हमारा जो मोदी जी का सपना है वो पूर्ण हो सकता है। जो सफाई अभियान, जैसे हमारे एसआई साहब ने भी यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे भांग जो है बहुत ज़्यादा है, तो उसको उखाड़ना कोई एक बंदे का काम तो नहीं है। उसमें नशे की लत में जा रहे युवा पीढ़ी तो क्यों जा रहे हैं जबकि यहाँ पे। वहीं बिटिया फाउंडेशन की अध्यक्ष सीमा डोगरा ने बताया कि आज बेटियां किसी से कम नहीं हैं, उन्हें अपने अधिकारों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। हमीरपुर में मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ मैं यहाँ की बिटिया फाउंडेशन एनजीओ की, और यहाँ पे सुमनलता ने कैंप करवाया था नेहरू युवा केंद्र के थ्रू, तो यहाँ पे हमें इन्वाइट किया था तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमें बेटियों को हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत जानकारी दे दी और इनको जागरूक कर दिया, और अच्छा काफ़ी अच्छा कैंप था ये। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ बेटियों के लिए कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बेटियाँ बढ़ चढ़ के भाग लें यहाँ पे और एकजुट होके अपना मतलब जो भी अड़चन आती है उनके ऊपर चाहिए, जो भी उनके साथ जो भी केसेस होते हैं तो पुलिस को बताएं, हमें बताएं, बिटिया फाउंडेशन वालों को बताएं। तो मैंने इनसे बात कर ली है, इन्होंने मतलब हमारा सहयोग दिया और हम लोग इनके साथ हैं। थैंक यू। महिला मंडल प्रधान कांता देवी ने बताया कि महिलाओं को उनकी सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई और योग दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं ने योग भी किया। कार्यक्रम किया गया, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था जिसमें अपनी आने वाली युवा पीढ़ी को नशा निवारण के बारे में बताया गया कि नशा नहीं करना है, और औरतों को बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया, उनकी सेफ्टी के बारे में बताया गया। और बिटिया फाउंडेशन के अध्यक्ष इधर आए थे, उन्होंने भी लड़कियों को बहुत अच्छे समझाया कि आप अपनी सेफ्टी किस तरह से कर सकते हैं, और आज की लड़की किसी से कम नहीं है, अपना मुकाबला खुद करे, उसे चांद बनकर नहीं रहना है, उसे सूरज बनकर हर परिस्थिति का मुकाबला करना है।